नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। इधर सिवान में बढ़ती कड़ाके की ठंड को लेकर के लगातार कई जगहों पे हमारी टीम जा रही है, जहां पर कंबल का वितरण किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं सिवान के ओरमा पंचायत में, जहां पर ओरमा के पूर्व मुखिया साबिर मियां, जो कि आरजेडी के नेता भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कंबल बांटने का व्यवस्था किया गया है। और जो यहाँ के सदर विधायक हैं और बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी के हाथों यहाँ पे कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो बिल्कुल हम आपको एटीएन लाइव पे दिखा रहे हैं कि कैसे जो उरमा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं साबिर मियाँ, उनके द्वारा यहाँ पे कंबल का वितरण किया गया। लगातार आपको बताते चले कि चाहे कोरोना काल हो या फिर जब जब जरूरत होती है, ज़रूरतमंद लोगों को साबिर मियाँ के द्वारा लगातार उनको मदद करने का काम किया जाता है। और आज इसी क्रम में एक बार फिर से साबिर मियाँ के द्वारा इस तरह का नेक काम किया जा रहा है। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिवान के आरजेडी के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके हाथों जो असहाय लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, कंबल दिया जा रहा है, ताकि इस ठंड से इन जैसे लोगों को निजात मिल सके। कड़ाके की ठंड है, लगातार 5 दिनों से जो ठंड हो रही है उससे अब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, हड्डी कपकपाने वाली ठंड है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साबिर मियाँ, जो कि पूर्व मुखिया हैं उरमा पंचायत के, इनके द्वारा नेक और सराहनीय कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के सिवान के विधायक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। तमाम आप देख सकते हैं कि एक एक लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर कम्बल वितरण किया जा रहा है। देख सकते हैं कि अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, जो उरमा में एक अच्छी खासी भीड़ है। खास करके देखा जा रहा है कि यहाँ पे महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है, और ये तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साबिर मियाँ के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई होगी और उस लिस्ट के माध्यम से लोगों को बुलाया गया है जहाँ पर कंबल वितरण का काम हो रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एटीएन लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सिवान के आरजेडी के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, ये तमाम लोग इस ठंड में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर लोगों के बीच कंबल वितरण का काम किया जा रहा है, लोगों को कंबल दिया जा रहा है। जो असहाय लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, लगातार इस तरह का नेक कार्य इनके द्वारा किया जाता रहा है और आज भी यह सिलसिला जारी है। कड़ाके की ठंड है और इस ठंड से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए इस तरह का बड़ा और नेक कार्य किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सिवान सदर के जो विधायक पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे कंबल जो है, हजारों की संख्या में कंबल रखा हुआ आप देख सकते हैं, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस भीड़ को कैसे भी दे देकर एक कंबल लोगों को दिया जा रहा है, ले लेकर लोग जा भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, जो महिलाएँ जो जा रही हैं, जिनको कंबल मिल रहा है, उनसे भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आगे की तरफ चले और कुछ लोगों से हमारी बातचीत होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग अब कंबल लेकर के धीरे धीरे निकल रहे हैं, हम बात भी करेंगे। कंबल आप लोगों को मिल गया? हाँ। किनके द्वारा दिया गया? साबिर मुखिया। तो कितना ठंड ज़्यादा लग रहा है अभी? ठंडा लागत नहीं है, ज़्यादा ठंडा बा। अभी कंबल ले जाके रहुआ का एक रास्ता ठंड से कम से कम निजात तो मिली रहुआ? मिली। चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा कि ये ऐसी पंचायत की महिला हैं और इन लोगों को कंबल दिया गया, तो जाहिर तौर पे अच्छा कार्य है और इस ठंड से निजात उन्हें मिलेगा। और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि साबिर मियाँ के द्वारा उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया गया। भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, एक एक करके लोगों को यहाँ पर कंबल देने का काम किया जा रहा है। आपको मिल गया कंबल? हाँ। अच्छा, किनके द्वारा मिला है? हाँ? किनके द्वारा, कौन दिया है कंबल? साबिर मुखिया दिए हैं। हाँ। तो आप क्या लग रहा है कि ये जो कंबल मिला, इससे ठंड ओंड अब कम हो जाएगा? कम थोड़ा सा तो राहत मिलेगा ना? हाँ, आप लोगों? हाँ, हाँ, बहुत मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं हैं जो काफी इन्हें ठंड, इस कड़ाके की ठंड है, हम लोग जैसे जो नौजवान लोग हैं, हम लोगों को ठंड लग रहा है, तो ये तो बुजुर्ग महिला लोग हैं। और ये देखिए एक एक करके ये लोग निकल रही हैं। तो अच्छा कार्य है जिस तरीके से साबिर मियाँ के द्वारा किया जा रहा है। उरमा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है। देखिए जाहिर तौर पर जो निसहाय लोग हैं, जो एकदम उस तरीके के ज़रूरतमंद लोग हैं, उन जैसे लोगों को ही यहाँ पर बुलाया गया है और कंबल का वितरण किया जा रहा है। चाची आप बताइए, कंबल मिल गई रुआ? के दिला सा?
के बाटो तो से अच्छे हम ना जानता नहीं जब बता दी तो आप ठंडा ना लगी ना ठीक बा हो जाइए सुनो। तो यही आलम है, एक एक करके जो महिलाएं हैं वो निकल रही हैं, कंबल वितरण का जो सिलसिला है वो बिल्कुल चल रहा है, आप देख सकते हैं और बिल्कुल कतारबद्ध अच्छे तरीके से। मुन्ना जी साबिर मियां के भाई हैं उनके, ये बताइए कि आखिर ये सोच कहां से आप लोगों को मिली? देखा जा रहा है कि बहुत अच्छी खासी भीड़ है। अरे बाबू, हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब आदमी के तो आप जानते हैं, कभी भी हेल्प हम लोग करते हैं, कभी छोड़े हैं किसी को, ये चलता रहता है। तो काफी भीड़ लगा हुआ है और खास करके राजद के विधायक भी पहुंचे। हाँ, राजद के विधायक एकदम पहुंचेंगे, पहुंचना ही है उनको जी। 400 आदमी का हम लोग कमल बांट रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो चलता ही रहता है बाबू मंडी, आप तो जानते ही हैं। तो अब तो क्या लग रहा है कि ये लिस्ट तैयार की होगी गई होगी जो जरूरत सब सब हम लोग के पास रेडी है, खाली आता है फिर हम लोग कर देते हैं, जिसको देना है देते हैं। हाँ, तो ठंड बहुत ज्यादा है, कंबल बटने से लोगों को निजात भी मिलेगा, काफी मिलेगा, एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, कंबल में लोग आराम से सोएंगे। बिल्कुल, आपने देखा ये साबिर मियां जो पूर्व मुखिया हैं उनके भाई हैं और उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, जिसमें औद बिहारी चौधरी भी पहुंचे हुए हैं। लाइन लगाई गई है कतारबद्ध होकर के लोग जो हैं यहाँ पे। आप लोग बताइए, आप लोग भी कंबल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं? कंबल लेने के लिए क्या लग रहा है, ठंड ज्यादा है? ठंड ज्यादा ही है। तो कंबल से ठंड मतलब कि कुछ निजात? हाँ, हल्का कम होगा, मिलेगा। अच्छा, आप बताइए कंबल मिलेगा ना अभी? हाँ हाँ मिलेगा, बताता है। अच्छा अच्छा, तो ठंड तो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसी तरीके से आपने देखा और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिवान में ठंड जो है अपना कहर बरपा रहा है। लगातार हम आपको बताते चले कि इस ठंड ने ऐसा कहर बरपाया है कि 4-5 दिनों में जो ठंड है वो बिल्कुल हड्डी को कपकपाने वाली ठंड है। और इसी के मद्देनज़र उरमा पंचायत के पूर्व मुखिया के द्वारा यह बड़ा और नेक कार्य किया जा रहा है, जहां पर अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के विधायक है सिवान सदर के, वो पहुँच करके और लोगों के बीच अपने हाथों कंबल का वितरण कर रहे हैं। इसी तरीके से लगातार हमारी टीम और भी जगहों पर जाएगी और वहाँ से तमाम जो छोटी बड़ी खबरें होंगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बताइए, हमार साबिर भैया बहुत बढ़िया मुखिया, जब जितर तब इतने अति करत हूँ अनाज जितर तब पूर्व मुखिया बहुत दान कैले बड़े, बहुत लोग के अति कैले बड़े आ सामान बहुत बटले बड़े, दान कैले बड़े। आज भी उनकरे देन है कि आज भी कमर बाँट रहा बड़े आ आज भी गाँव के पूरा ओरमा पंचायत के आज भी वह देखते रहे। उ मुखिया जौन बड़े उ बेसार होला, उ कबो ने कन देखले ना कबो हमनी गांव में आइल बड़े भी तो अपना अथी क्यों आइल बड़े आ उनकर बात बा दोसर, हमारा मुखिया के बात बा और कुछ। हमार मुखिया बहुत बढ़िया, कमर मिल गल हमारा बहुत बढ़िया, हमार मुखिया अति जिंदाबाद, कबो भी हमार मुखिया जीती हैं और के पारी इलेक्शन में तो डागा बजा के इनकर के जिताए हमने के अपना मुखिया के साथ और विधायक जी मिलकर के कंबल बांटे। इसके पहले भी कोरोना काल में भी हम लोग गरीबों को मुफ्त में अनाज दिए हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों को भी हम लोग मदद किए हैं और ठंड में भी कमल आप देख ही रहे हैं। इसके पहले भी और भविष्य में भी इस तरह के अगर कोई समस्या आएगी तो उसके लिए मुखिया जी सारा लोग हम लोग साथ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल कई लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर सदर विधायक जो हैं आरजेडी के औद बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक कंबल बांटने का काम चल रहा है। उनके साथ साबिर मियां हैं और साबिर मियां ये लोग तमाम व्यवस्था जो किए थे, कोरोना काल हो या फिर जब भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये लोग कंबल या फिर जो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो बांटने का काम करते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगातार जो अपना समय है वो निकाल करके अवध बिहारी चौधरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। उनसे बातचीत भी होगी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे जुटी हुई है। साबिर मियां स्वयं यहाँ पे खड़े हैं, एक एक लोगों को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी एक लिस्ट भी तैयार की गई है और उस लिस्ट के माध्यम से ही लोगों को कंबल बांटा जा रहा है। साबिर जी, आज यहाँ पे कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, कितने लोगों के बीच बांटा गया और क्या मकसद था इसके पीछे का? 450 आदमी के बीच कंबल वितरण किया गया। अब मेरा मकसद तो आप लोग जान ही रहे हैं शुरू से, ये गरीबों के बीच में मैं रहता हूँ और जब जब गरीब के कोई ऐसा परेशानी है उसमें मेरा काम है शामिल रहना। अब मुझे कुछ किसी चुनाव का प्रभाव नहीं, मैं सब लोगों के साथ रहता हूँ, मेरे गाँव के जनता भी मेरे साथ रहते हैं, इससे ज़्यादा क्या करना है। आगे भी आप इन लोगों के लिए खड़े रहेंगे जब जब जरूरत होगी? आप कब से आ रहे हैं मेरे पास बताइए? आप तो देखे हुए हैं,
कोरोना काल हो, बाढ़ पीड़ित हो, चाहे इसके पहले ठंड के मौसम हो, मैं हर साल कंबल वितरण करता रहता हूँ और गरीबों के बीच रहता हूँ। मेरे सहयोगी हैं ये लोग, इन लोग से भी बात कीजिए। पहुँचे हुए थे यहाँ पे, अपने गार्जियन को तो बुलाना है, जिसको हम लोग गार्जियन मानते हैं उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं, उनको कहने में भी उनके रास्ता पर आदमी चलना सीखता है कि हम लोग से भी कहीं गलत नहीं हो। अब कंबल वितरण के दौरान हमारे साथ मौजूद हैं औध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के विधायक हैं सिवान सदर से। सर, आज काफ़ी कड़ाके की ठंड है, 3 दिनों से लगातार ठंड बढ़ी हुई है और आज यहाँ पर आप लोगों के बीच, आप लोगों के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओरमा में जो पूर्व मुखिया साबिर अली, इनके द्वारा यह आयोजन किया गया था और हमसे भी राय मशवरा लिए थे। मैंने कहा कि बहुत अच्छा काम है, इसको करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा, आपके कर कमलों द्वारा आपके उपस्थिति में यह वितरण कम्बल का होगा। हम आए और देख ही रहे हैं मौसम का मिजाज गड़बड़ हो गया है और कड़ाके की ठंड है, इसमें इन्होंने भारी संख्या में कंबल वितरण कराने का काम किए और इस गांव के गरीब गुरबा लोग यहां, काफ़ी महिला और पुरुष, यहां तक कि कम उम्र का लोग, लड़का भी, सब लोग आए और सबको कंबल दिया गया। इससे बढ़िया पुनीत कार्य और कुछ नहीं हो सकता है। गरीबों के मदद करना, ऊपर वाले भी जो मदद करता है उस पर प्रसन्न रहते हैं, इसलिए एक अच्छा काम हुआ है। और यही नहीं, तमाम लोग जो कुछ संपन्न हैं, जिनके पास कुछ क्षमता है मदद करने के लिए, उन तमाम लोगों को इस तरह के आयोजन करना चाहिए और गरीबों के बीच जाड़े में कंबल, चादर, वस्त्र का वितरण करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लाभकारी यहाँ के लोगों के लिए यह कार्यक्रम है। मैं सभी लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और पूर्व मुखिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा सहयोग के दिशा में आपने पहल किया है। इसी तरह से आप तमाम लोगों को लगे रहना चाहिए और उर्मा के चाहे मौजे गांव हो, चाहे उत्तर टोला हो, नया टोला हो, बीच टोला हो, सब जो ज़रूरतमंद लोग हैं सबको बेंदुसार के सबको देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सभी मोहल्ले के लोग आज आए थे और सब लोग कम्बल ले गए हैं, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, काफ़ी कड़ाके की ठंड है और आप सदर के विधायक हैं और सदर विधायक होने के बावजूद जैसे कि कई जगहों पर देखा जा रहा है कि अलाव की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है और इस कड़ाके की ठंड के वजह से चाहे ठेले वाले हों या फिर असहाय वो लोग हैं जो व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ आपने सोचा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अपने तरफ से यह व्यवस्था पूर्व से भी मेरे मन में है, पहले भी मैं करते रहा हूँ, जब नहीं थे तैबो उस वक्त भी आपको याद होगा हम लोग जलाए थे। इस बार भी हम अपने तरफ से लकड़ी का व्यवस्था, लकड़ी चिराई वाले के यहाँ मैंने आदेश भी अभी आपके सामने मैंने दिया, तो आदेश दिया हूँ और काफ़ी शहर के जितने मैंने चौक चौराहे हैं जहाँ घर गरीब सहारा लोग जुटते हैं, वहाँ पर जल्द से जल्द, क्योंकि मौसम है, लकड़ी जलाया जाएगा और उसमें सब लोगों के हम चाहेंगे कि साथ में सभी लोग रहें, आप लोग भी रहें और अलाव की व्यवस्था हम अपने तरफ से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि औध बिहारी जी थे जो आरजेडी के विधायक हैं, इनका कहना है कि आज तो कंबल वितरण हुआ ही, साथ ही साथ ये अपने भी फंड से तमाम जो सदर विधानसभा इलाके हैं वहाँ पर ये अलाव और निजी फंड से, आप अपने तरफ से। मेरे पास कोई फंड नहीं है, कहा जाने पहले का फंड था वो कहाँ चला गया है, पता लगाए तो MLA फंड में 1 रुपया नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे पास दिल है, जी, हमारे पास साहस है। मैं सामाजिक काम हमेशा करते रहा हूँ, चाहे सांस्कृतिक हो या लोगों की मदद करने की बात हो, तो जनता जनार्दन
हमारे साथ शुरू से रही है, आज भी है, भविष्य में भी हमारा आदर ठीक रहेगा तो भविष्य में भी जनता मेरे साथ रहेगी। इसलिए मैं अपने तरफ से और साथियों के सहयोग से मैं कार्यक्रम करूंगा। आपकी चिंता है, आप एक सजग पत्रकार हैं, छायाकार हैं बंटी जी, इसलिए हम अपने फंड से मैं इस कार्यक्रम को जनहित में, गरीबों के हित में जैसा जैसा अवसर आवेगा मैं मदद करूंगा। तो ऐसे ही हम 21 तारीख को, 14 तारीख को दही चूड़ा नहीं खिलाए तो 21 तारीख को हम आयोजन रखे हैं और आप तमाम लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि उस दिन भी दही चूड़ा हम खिलाएंगे। आए अपने तरफ से गरीबों को जो सेवा करना होगा वो करें। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये थे राजद के विधायक और बिहारी चौधरी, और ये हर संभव जरूरतमंदों को मदद आगे भी करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। अब पेट्रोल डालने का टेंशन खत्म, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में नेशनल मोटर लेकर आ गया है MO कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो एक बार चार्जिंग के बाद 100 किलोमीटर तक का कराए का सफर आसान किस्तों पर भी उपलब्ध। MO लेकर आया है जॉन्टी इंस्पायरल, फेस्टी और स्पाइन, चार अलग अलग मॉडलों में नई तकनीक और काफी मजबूती के साथ बैटरी से चलने वाली स्कूटी। प्रखंड स्तर पर सभी डीलरशिप के लिए संपर्क करें। नो रजिस्ट्रेशन, नो लाइसेंस, तो इस महंगाई के दौर में MO की स्कूटी आज ही खरीदें। नेशनल मोटर बचपन प्ले स्कूल के सामने सिसवन ढाला सिवान। संपर्क करें 7050050508, 7783069423। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में, नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर।